सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी अपने फैमिली मेंबर को कॉल करने के लिए डायलर पर क्लिक करते हो तो आपके सामने आपको जो है डायलर पैड नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको शो करता है सेट फोन एज डिफॉल्ट। तो आपको ये कैसे ठीक करना है, कैसे आप जो है डायलर को ला पाएंगे जिससे आप किसी को भी कॉल कर पाएं, यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। यहाँ पर 2 से 3 सॉल्यूशन बताऊंगा जिनसे आपकी प्रॉब्लम 101% सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए जान लेते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है। गाइज, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे। अब यहाँ पर ऐप्स पर क्लिक कर लेना है। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने यहाँ पर आप देख पाएंगे ऊपर की तरफ थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद डिफॉल्ट ऐप्स पर क्लिक करना है। डिफॉल्ट ऐप्स पर क्लिक करने के बाद डायल पर आना है। डायल पर आने के बाद आपको कॉन्टैक्ट एंड डायलर है या फिर आपके मोबाइल में फ़ोन होगा उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ से अपना जो है डायलर आप जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप जो है डायलर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो किसी को भी कॉल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो एक काम कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते कि आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर रहे, आपका ट्रू कॉलर के बिना काम चल सकता है, तो यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दें गाइस। ठीक है, यहाँ से इसको अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक बार आपको जो है एक बार यहाँ से ट्रू कॉलर पर लॉन्ग प्रेस करना है, ऐप इन्फो पर क्लिक कर देना है। इसकी ऐप इन्फो पर आने के बाद आपको यहाँ से क्लियर डाटा है, क्लियर ऑल डाटा कर देना है। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसको ओपन करना है फिर से। अब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको नई तरीके से यहाँ पर जो है गेट स्टार्टेड आएगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आप मेन गलती करते हैं जब भी अपना ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके सेटिंग करते हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेते हैं ट्रू कॉलर पर क्लिक कर लेते हैं, बट आपका फ़ोन या कॉन्टैक्ट डायलर पर ही सिलेक्ट रहना चाहिए, यहाँ पर ही आपका सिलेक्ट रहना चाहिए गाइस। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस इस बात का आप ध्यान रखें और गेट स्टार्टेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। होप आपको सब कुछ समझ आ चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।